Okay, boys and girls, welcome and welcome to what? CA Foundation. So, welcome for CA Foundation. मेरा भरोसा मानिए कि इंस्टीट्यूट ने ICI ने जो सबसे अच्छा काम किया है वो है फाउंडेशन री इंट्रोड्यूस कर जिन दिनों में मैं CA किया करता था उन दिनों में CA फाउंडेशन ही हुआ करता था एंड अगेन नाउ दे हैव रीस्टार्टेड विद द CA फाउंडेशन. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन CA फाउंडेशन और CACPT? CA फाउंडेशन इज रिटन एग्जाम, थेरी एग्जाम, और वही CPT कैसा था? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत थी कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका अकाउंटिंग जो सिखाना है वो अकाउंटिंग सिखाने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, बिकॉज जर्नल एंट्री कैसे पास करना है ये सब चीजों में दिक्कत होती थी. वहां पर एक मार्क के 60 क्वेश्चन आया करते थे, अब यहां पर एक मार्क के क्वेश्चन नहीं है, यहां पर पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 16 मार्क का क्वेश्चन आएगा. तो उस वजह से जाहिर सी बात है आपको अकाउंटिंग क्या है उसकी रूह को पहचानने को मिलेगा, उसको फील करने का मौका मिलेगा. इज दैट ओके? तो CA फाउंडेशन वेरी लकी, वेरी वेरी लकी आई मस्ट से दैट यू गॉट अ चांस टू लर्न दिस सच ब्यूटीफुल थिंग. ऑलराइट, फॉर मी इट्स लाइक हेवन. अकाउंट्स इज लाइक हेवन. मजा आता है कि जब अकाउंट्स को डील करते तो माहौल अलग बनता है. ठीक है, तो अब अगली स्टेप पे चलते. मैं कौन हूं? तो आई एम CA आनंद भंगड़िया. इज दैट ओके? बाकी मैं ज़्यादा भरोसा नहीं रखता अपने बारे में और कुछ बोलूँ करूँ, जैसे जैसे समय मिलेगा और बताते रहूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी. आज के लिए आपको इतना काफ़ी है कि आपकी फैकल्टी CA है और मेरे नाम से ज़्यादा लेट्स सी काम क्या बोलता है. सो कैन वी डायरेक्टली स्टार्ट विथ आर सेशन? ऑलराइट, यप, हियर वी गो. सो सेशन में फर्स्ट चीज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या है. इंट्रोडक्शन टू द सिलेबस. ओके, सो अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए. प्लीज ओपन अप योर बुक एंड राइट डाउन अलॉन्ग विथ मी आपका सिलेबस क्या क्या है. आपके सिलेबस को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है. आई हैव डिवाइडेड योर सिलेबस इनटू 5 डिफरेंट पॉइंट्स विच इज योर एकेडमिक सिलेबस. ऑलराइट, सो ये रहा. फर्स्ट है टाइट योर शूज फॉर द बेसिक्स. So for your basics, I am going to teach you all what is the theoretical framework and what is the accounting process. Is that okay? Theoretical framework or accounting process. एक बार लिख कर ले लो, फिर मैं समझाता हूँ इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे. हाँ हाँ, क्या हो बेटा, ये लिखा है ना, टाइट योर शू फॉर बेसिक्स. ये सिलेबस नहीं है ना, लाइक ये मैंने नाम दिया है, चालू हो जाएंगे पुट्टे. ये सिलेबस का पार्ट नहीं, सिलेबस में ये दो टॉपिक है, ये बेसिक टॉपिक्स है, या नहीं चाहिए. राइट, कितने बच्चे कॉमर्स है? 11th 12th कॉमर्स. कितने बच्चे साइंस है? वाह, लवली, मुझे बहुत मजा आता है. एक्चुअली मेरे अंडर में कुछ इंजीनियर हुए लोग भी CA बने हैं. बेफिक्र रही है, तुम बहुत लकी हो जो साइंस बैकग्राउंड से आए हो. टेक माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, बहुत ज़्यादा लकी हो कि आप साइंस बैकग्राउंड से आए हो, क्योंकि अब मुझे मौका मिलता है कि आपको जीरो से ग्रूम करूं. मेरे पास पूरा ऑप्शन मिल गया, वो पूरा जीरो से ग्रूम करना, क्योंकि कई बार गलत अकाउंटिंग सीखकर बच्चा आ जाता है. तो इसलिए यू आर डैम लकी कि तुम्हें कुछ नहीं आता. मेरा भरोसा मानो कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी हो तो भी मैं उठा लूंगा. सेकेंड चीज़, अगर आपका मराठी बैकग्राउंड था तो भी चिंता का कोई विषय नहीं है. अगर आपको समझ में नहीं आया बिंदास तो के मुझे क्वेश्चन पूछ लेना. ये बेसिक टॉपिक है. इस बेसिक टॉपिक्स में होता है ऐसा है, जैसे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, तो जैसे भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके तहत सारे लॉज बनते हैं, बराबर है कि नहीं है. वैसे ही थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में जो भी हम अकाउंट्स में चीजें यूज करते हैं, सिर्फ 7 है, ओनली 7 थिंग्स. असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, डेबिट, क्रेडिट. कितनी चीजें हो गई? 7. इन 7 चीजों का मीनिंग क्या है इस फ्रेमवर्क में बताया गया, ताकि जब आगे कहीं पर भी कोई डिस्कशन होगा तो इन 7 चीजों का मीनिंग क्या है पता चलेगा, और उसको करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होते हैं वो. तो यहां पर मैं आपको सिर्फ डेफिनेशंस के बारे में बात करूंगा, बट मैं डेफिनेशंस आपको रटवाऊंगा नहीं, कुछ नहीं. हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि रियल लाइफ में क्या होता है और इसको ये नाम क्यों दिया जाता है. कॉमन सेंस यूज करेंगे. एग्रीड?
क्योंकि अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द डे शुड बी कॉमन सेंस, राइट। अब जैसे साइंस बैकग्राउंड से गुड़िया आप हो, नहीं आप हो गुड़िया, राइट, तुम मुझे बता, तूने किसी को पैसे दिए 10,000 रुपए, तो तू क्या लिखती है, क्या लिखती है? तूने किसी को 10,000 रुपए दिए और तुझे हिसाब बनाने के लिए बोला, पापा ने बोला हिसाब मेंटेन करना बेटा, तो क्या ना क्या लिखेगी वहां पे? आपका नाम क्या है? प्रीति। प्रीति ने आनंद भांगड़िया को 10,000 रुपए दिए, राइट, तो क्या लिखेगी? कुछ तो लिखेगी ना, क्या लिखेगी? आनंद भांगड़ी को पैसे दिए तो क्या लिखेगी? ओके, आई लास्ट समबडी एल्स, और कौन सा आंसर था? यस, आप क्या लिखो? सोचो, बस मेरा नाम और अमाउंट, इस व्यक्ति से पैसा आना है, बराबर है। अब मैं तुझे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं वापस, तुमने आनंद भांगड़िया को ही पैसे दिए वापस, बट इस बार दिए 200 रुपए, बट तुम आए मेरे पास पाव भाजी खाए और 200 रुपए दिए, मैं पाव भाजी भी बेचता हूं इवनिंग में, थोड़ा सा ठेला लगाता हूं, बहुत अच्छी बनाता हूं, आके खा के देखियो सर, 200 रुपए में पाव भाजी बेचता हूं। अब यही बंदा, आपका नाम सर? अय्याज। अय्याज साहब आए मेरे पास, बैठे पाव भाजी खाए, 200 रुपए की सरकार। मेरा आपसे वापस प्रश्न है कि अब मुझे 200 रुपए दिए, अब तुम हिसाब में लिखोगे तो क्या लिखोगे? बाकी के बच्चे अगर बताना चाहे तो क्या लिखेंगे? आवाज नहीं आ रही यार, झूठी बात, झूठी बात, ये गलत है, मैंने तो अकाउंट्स को सिखाया नहीं, एंट्री नहीं पूछी, मैं पूछ रहा हूं हिसाब लिख रहे हो क्या लिखोगे? मतलब तू पापा को हिसाब देती तब ऐसे लिखती आनंद भांगड़ी? अच्छा चल ठीक है, उठ 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 उठ, ठीक है निकल, ये थोड़ा सा जगह दे भाई, प्लीज प्लीज। गुड़िया तेरा नाम क्या है? राशि। राशि को कवर कर रहे, राशि उठो, वहां पर एक शॉप है, वहां से चॉकलेट लेके आओ, जाओ 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 जाओ, चाहिए तो संतोष पैसे दे दे इसको, वहां से एक चॉकलेट लेके आओ, जल्दी से आ जाना चाहिए, अगले 2 मिनट में यहां पर चाहिए तो मेरे को ऑफिस। राशि जा, ये भी चॉकलेट लेके आएगी, तुमको कॉमन सेंस डेवलप कर रहा हूं मैं। राशि जाएगी, चॉकलेट लेके आएगी और हम देखेंगे। राशि जल्दी से जा, वो चॉकलेट लेके आ, ठीक है, तुमको प्रूव करूंगा मैं कि ट्रांजेक्शन कैसे होती है। हाँ पैसे देना संतोष, बोला ना तेरे को, वो देगा पैसा, तू लेके आ चॉकलेट, ठीक है। हाँ हाँ जा जा उसके साथ जा और ले गया। अब मेरी बात सुन गए आप कि राशि तो गई है, चॉकलेट लेके आएगी, ठीक है। तो एक जगह पे तुमने बोला कि अगर आप मेरे को 10,000 रुपए दोगे तो आनंद भांगड़िया का नाम लिखोगे, और एक जगह पे आप पैसे दोगे तो क्या लिखना है अभी तक क्लियर नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या एक आजमा, एक कॉमन सेंस वाली चीज, उसको उठाया, उसको बोला जा भाई चॉकलेट लेके आ, वो चॉकलेट लेके आएगी, फिर हम पूछेंगे अब क्या लिखेगी। तो तुम्हें क्या लगता है क्या लिखेगी अभी? चॉकलेट लेके आएगी राशि, क्या लिखेगी? आवाज नहीं आ रही है। तो मतलब तुम ये बताओ कि हम कोई भी शॉप में जाते हैं तो उस व्यक्ति को उसका नाम पूछते हैं, सर आपका नाम बताओ मुझे नाम लिखना है। तुम रिक्शा में बैठ के कहीं घूम के आते हो तो रिक्शा वाले का नाम पूछते हो, सर बताओ ना मेरे को हिसाब में लिखना है तुम्हारा नाम। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या बता रहे हो? सीधा काम बता देंगे, सीधा एक्सपेंस। मतलब बेटा जब किसी व्यक्ति को हम पैसा देते हैं और उससे दोबारा वापिस आना होता है तब उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। जैसे तू मेरे से पैसा 10,000 वापिस वसूल करेगा तो तू मेरा नाम लिखता है, बट अगर तूने मुझे 200 रुपए पाव भाजी के दिए, खा गया गट्टम्मा अंदर, तो 200 रुपए तूने मुझे जो दिए वो एक्सपेंस के तौर पर दिए, तेरा एक्सपेंस है, तो क्या तुम्हें मैं तुझे वापिस देने वाला हूं क्या वो? नहीं। तो बेटा उस केस में ये लिखेगा पाव भाजी या ट्रीट या कोई भी रेस्टोरेंट एक्सपेंस, ऐसा वो मेरा नाम नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा? चलो राशि आ गई, राशि चॉकलेट लेके आ गई, वेरी गुड, कवर कीजिए संतोष जी वापिस राशि जी को, और राशि जी को पूछते, राशि जी अब बताइए जहां से आप चॉकलेट लेके आई थी उस व्यक्ति का नाम क्या है? ऐसे कैसे नहीं पता? जब मेरे से पाव भाजी खा रही थी तब तो आनंद भांगड़िया टू कैश कर रही थी, अभी तो नाम बताया तो नाम पूछ के आना था, एंट्री करनी है तो अभी क्यों पलट रही है? तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? तो व्यवहार ही हम ऐसा करते बेटा, समझ में आ गई तुझे बात? नहीं नहीं तू खा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब 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 बात समझ में आ रही क्या? जब आप किसी को पैसे देते हो उधार में तो उस व्यक्ति का नाम आता है, जब आप पैसे को व्यक्ति को पैसा देते हो उधार में नहीं खर्चे के तौर पर तो व्यक्ति का नाम नहीं आता, खर्चे का नाम आता है। एम आई कम्युनिकेटिंग? तो मैं तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग कराऊंगा कि कब क्या वर्ड यूज करना, और उसके लिए रट्टा कोई नहीं मारेगा, सिर्फ कॉमन सेंस लगाएगा, और मेरे सिखाने का तरीका यही है, मैं प्रैक्टिकली सिखा दूंगा इधर। आगे बात धन में। ऑलराइट, सो वी हैव डन विद वन
कि थेरोटिकल फ्रेमवर्क में किसका मीनिंग क्या है ये समझना है, और उस मीनिंग के बाद में उसको एक प्रोसेस में ढालना है, स्ट्रक्चर्ड वे होना चाहिए, जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं वो क्यों कैसे वो देखेंगे। अग्रीड? सो अपने दो नाम लिखे, आप क्या क्या करने वाले बेसिक्स में, थेरोटिकल फ्रेमवर्क और क्या अकाउंटिंग प्रोसेस। उसके बाद में सेकेंड चीज, आई वॉन्ट टू सर्वाइव इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तुम्हें संसार में अच्छे से जीना है रहना है तो इसके लिए आपको आना चाहिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज और क्या डेप्रिसिएशन। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज एंड डेप्रिसिएशन, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड से जुड़े हुए चीज है। इससे आपके पापा को आप पर नाज होगा, राइट? अगर पापा को इंप्रेस करना है तो ये सब चीजें आनी चाहिए। वो मूवी देखी क्या तुमने जिसमें ये है, देखो आलिया भट्ट है, फिर वो IIT में पढ़ते हैं, अब हीरोइन ही याद रहती, अर्जुन कपूर है, टू स्टेट्स देखिए क्या, तो उसमें अर्जुन कपूर आलिया भट्ट के पापा को जाके हेल्प करता है, याद है? नहीं पता, मूवी नहीं देखते हो, जाते पैसे देके जाना, स्टोरी बता रहा हूं, सुनो नलायको। आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर, राइट, बोथ वर इन लव, राइट। आलिया भट्ट के पिताजी को पटाना था, तो पिताजी को पटाना था तो आलिया भट्ट के पिताजी के घर में ये पोट्टा जाता था, कौन? अर्जुन कपूर, और रात को उनकी प्रेजेंटेशन करता था और बाकी की चीजें समझाता था, करता था, राइट। तो अगर आपको भी आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो ये तीन टॉपिक आपको आने चाहिए। इन तीन टॉपिक में मैं आपको रियल वर्ल्ड बताऊंगा कि BRS कैसे रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है, इन्वेंट्री कैसे कनेक्टेड होता है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, आप अभी ये चॉकलेट लेके आई तो स्टॉक कब ऑर्डर करना है, कितना स्टॉक है, चोरी तो नहीं हो गया, इन सब चीज़ों का अकाउंटिंग डोमेन में कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे। इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन मतलब असेट की वैल्यू कम होती जाती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। एग्रीड? जब आप बड़े बड़े कंपनीज में जाओगे तो इन एरियाज को हैंडल करने के लिए दो दो तीन तीन लोग भी होते हैं, एक एक एरिया को हैंडल करने के लिए। ऑलराइट, यस, देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप, वी आर स्पेशल। ये स्पेशल टॉपिक है जिनका अकाउंटिंग के एस सच कोई लेना देना नहीं है, ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट टॉपिक, सिर्फ बेसिक्स आ गए तो काफी है। और वो कौन से? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर। वी आर स्पेशल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ज्वाइंट वेंचर और कंसाइनमेंट। डन, रसगुल्ला। सो इसके साथ ही हो गए हम थर्ड पॉइंट पर, वी आर स्पेशल। नाउ वी आर देयर ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फोर्थ, वी आर न्यू। ये सिलेबस में आपके पहले था ही नहीं, अभी नया आया है, दिस वॉजंट देयर इन योर सिलेबस अर्लियर, ये नई चीजें आई है। CPT में पहले नहीं था ये, क्या क्या नहीं था? तो पहले एवरेज ड्यू डेट, ये IPCC का सिलेबस फाउंडेशन में आया है। अकाउंट करंट, ये भी IPCC का सिलेबस फाउंडेशन में आया है। रॉयल्टी, ये तो IPCC में भी नहीं था, CMA के कोर्स में था, CWA के कोर्स में। तो रॉयल्टी अभी आपको भी डील करना है, और उसके साथ साथ अकाउंटिंग रेशियो, FM का टॉपिक इधर आया, अकाउंट्स रेशियो, एंड द लास्ट वन इज NPO। NPO इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे दगड़ूशेठ हलवाई गणपति, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। Not for profit making organization. All right. Yes. Hey boys and girls, ये हुआ NPO. Done. अब बड़े, ये कितने points हो गए बेटा? 5. और कानून के दायरे में आकर दो टॉपिक बने हुए हैं, कानून के दायरे में आकर दो टॉपिक बने हुए। कानून के दायरे में मतलब इसके लिए स्पेशल एक्ट है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट आपकी मर्केंटाइल लॉ में भी है, और एक है कंपनीज एक्ट, अपने आप में मिनिस्ट्री है, राइट? मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनीज के मिनिस्टर्स। तो उसके बेसिस पर दो टॉपिक है आपके, एक है पार्टनरशिप अकाउंट और एक कंपनी फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट ऑल्सो यू कैन से दिस इज कॉल्ड एज लॉ इज कीपिंग। कानून के वजह से बनने वाले दो टॉपिक है।
एग्रीड। अब मैं आपको बताता हूं अकाउंट टफ कैसे होता है, हाउ इज अकाउंट टफ, होता कैसे, मतलब दो चीजें होती है, दो ही तो चीजें होती है, या तो इजी या टफ। तो अकाउंट इजी होता है तो भी कैसे होता है, टफ होता है तो भी कैसे होता है, बात समझ लेते हैं, जरूरी है ना, नहीं तो साला कल तुम जाके बोलोगे सर पहले डे को पता नहीं था फिर हमने कांड कर दिया ऐसा हो गया वैसा हो गया। देख लेते, सुनो बेटा जी, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ये अगर सही से आया तो तुम्हें ये वाला टॉपिक आएगा, सॉरी ये वाला नहीं, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में भावनात्मक, ये आया, ये और ये दोनों टॉपिक। हैप्पी, मतलब ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हुआ और ये टॉपिक डिपेंडेंट है किस पर, इसके ऊपर। तो मैं अगले 10 दिन, भले ही आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बेसिक्स ही पढ़ाऊंगा और बेसिक्स ऐसे कि आपके पक्के होने चाहिए और वो रट्टा मारने वाला ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। इसको स्टडी कर वॉरेन बफेट साहब ने अपनी लाइफ बना ली। वॉरेन बफेट साहब भी कभी किसी जमाने में ऐसे ही थे, एकदम नॉर्मल विद्यार्थी। वॉरेन बफेट बने नॉट बिकॉज ऑफ रट्टा, बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, एंड दैट्स व्हाट यू कैन गेन इफ यू कैन रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मुझे बहुत बुरा लगता है कि सीए फाइनल हो जाता है बच्चे का, बट उसके बावजूद भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस एंगल से नहीं पढ़ सकता जैसे उसने पढ़ना चाहिए। और ये पढ़ने के पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं पढ़ पाता, क्योंकि शुरुआत में बेसिक्स पर ध्यान नहीं दिया होता है और बेसिक्स पर ध्यान नहीं देने की वजह से बाकी के एरिया सारे वीक हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली वीक होंगे। क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में जिन्होंने 11th 12th में किया होगा आपको मालूम होगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में एंट्रीज होती है, राइट? अगर आप टॉपिक देखेंगे एनपीओ, अकाउंट करंट, रॉयल्टी, इसमें भी अकाउंटिंग होती है, पार्टनरशिप में, फाइनल अकाउंट में भी अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। जो फाइनल अकाउंट कॉमर्स के विद्यार्थी हो आपने पढ़ा 11th 12th में, सब बकवास था, सॉरी आई एम बीइंग सो ब्लंट। क्योंकि बेटा आप बोल रहे हो कि हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा सर मुझे बहुत अच्छे से आता है, तुमने क्या पढ़ा है पता है क्या, एड लेस। किसी को टैली आता है यहाँ पे 100%? एक हाथ तो बच्चा रहेगा, थोड़ा बहुत टैली आता रहेगा, टैली झूठ मत बोला ना लायक, टैली किसको आता है बताओ ना, हाथ ऊपर करो, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आई शपथ। टैली नहीं आता किसी को? बेटा अगर आप जाओगे ना रियल लाइफ में तो एक सॉफ्टवेयर होता है, राइट? उस टैली के सॉफ्टवेयर में आपको एंट्री करनी पड़ती है, एडलेस नहीं। और 11th 12th में बच्चा अकाउंट्स कैसे सीखता है, एडलेस। जैसे अभी मैं पूछूं आउटस्टैंडिंग सैलरी का इफेक्ट बताओ, साइंस के बच्चे डरो मत, बस इनको पूछ रहा हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी का इफेक्ट बताओ, मतलब क्या तुम ये भी नहीं बताने वाले मुझे, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब बताओ, साधु संत मत बनो ना लायको, आंसर दो, कहां पे ऐड, डर मत, हाँ किस में ऐड, बराबर बोला है, किस में ऐड, सैलरी में ऐड। सेकंड इफेक्ट कहां पे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, वेरी गुड, एंट्री बोलो। साइंस के बच्चों इट इज अ टाइम टू सेलिब्रेट, तुम और वो एक ही जगह पे हो, टेंशन ना लो, ये एक्चुअली गलत सीख क्या है, रियल लाइफ में कहीं पर भी एडलेस नहीं होता है। और मेरा भरोसा मानो जब तक मेरे में जान है तब तक आपको एडलेस से मैं सिखाऊंगा ही नहीं, भले ही हमारी थोड़ी सी प्रोसेस कठिनाई से जाएगी बट हम सीखेंगे तो सही सीखेंगे कि तुम बाजार में जाओगे ना तो ये सिक्का चलना चाहिए। तो हम एडलेस से कोई चीज नहीं सीखेंगे, हम जो भी चीज सीखेंगे दैट इज विद द हेल्प ऑफ एंट्री। हैव आई कम्युनिकेटेड इट वेल टू यू पीपल, हम किससे सीखेंगे, एंट्री। क्योंकि बेटा एक्चुअली तुमको टीचर ने, सुंदर टीचर ने सिखाते होगा, ऐसे सिखाया होगा ना कि कुछ तो लेजर होता है, अकाउंट होते हैं, उसके अंदर पोस्टिंग होती है। अब एडलेस पर आ गए तो यार बैलेंस शीट में थोड़ी ना एडलेस कर दो, जाके डाउनलोड करके देख लो कोई बैलेंस शीट रियल लाइफ की, कहीं पर भी एडलेस किया हो कुछ नहीं दिखेगा। और हम जब सीखते तो एडलेस, रियल लाइफ में जाते तो एंट्री, प्रॉब्लम हो गई ना। तो हम एडलेस नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे वाया एंट्रीज। डिड आई कम्युनिकेट इट वेल? ऑलराइट फ्रेंड्स, अब बढ़ू आगे। तो अगर आपका ये वाला एरिया वीक रहा तो समझ जाना कि आपका सिलेबस वीक रहेगा, एग्रीड? अब आपको मेरी बैच से क्या क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या क्या एक्सपेक्ट करना है, यू विल गेट कलर नोट्स, अभी थोड़ी देर में आपके हाथ में आ जाएंगे कलर नोट्स, एक सैंपल कॉपी मैंने आपके सामने रखी है, ये कलर नोट्स, एग्रीड? इस कलर नोट्स में जो आपको चीजें दी गई है
उन चीज़ों को पढ़ना, ये चीज़ें मोर देन सफिशियंट होगी. मॉड्यूल की ईच एंड एवरी प्रॉब्लम कवर हो जाएगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मॉड्यूल प्रॉब्लम्स. उसके अलावा कुछ एडिशनल प्रॉब्लम मैं आपको और दूंगा. सो पहले आपको मिलेंगे कलर नोट्स, इसके अलावा आपको सेकेंड लेवल पर चीज़ मिलेगी की नोट्स, ये क्विक रिविजन के लिए आपको काम आएगी. एक छोटी पॉकेट बुक मिलेगी. इसके अलावा हमारी होगी बेटा जी टेस्ट सीरीज, जिसके थ्रू आप अपने आप को जज करते रहना. एग्रीड? और उससे बड़ी चीज़ है कि मैं किसी भी चीज़ को बिना लॉजिक के नहीं पढ़ाऊंगा. आई विल गिव द लॉजिक, दैट्स इट. फिर इफ इट टेक्स टाइम, लेट इट टेक टाइम, आई विल स्टिल डू इट. साइंस बैकग्राउंड बच्चा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. अगले 10-12 दिन के लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि 10-12 दिन में हम आपके सारे बेसिक्स पर काम करेंगे. डन डन डन. ऑल राइट सर, देन वी आर वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. और आज तो मैं तुम्हें पता है क्या, कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, मतलब सिलेबस का, ऐसे देखा जाए तो. और वैसे देखा जाए तो शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर. गुड, तो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, राइट? ठीक है, कितने बच्चों को पता है कि हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है? मैं ऐसे आगे जाऊंगा ही नहीं. और तुम साधु संत के जैसे बैठ नहीं सकते, क्योंकि मुझे पता है तुम साधु संत हो नहीं, तुम महान अलायक महाकमीनी हो. बाद में तुम्हें इतनी बातें करने वाले हो कि मेरे बोलने के बाद में भी सुनने वाले नहीं हो. तो इन्वॉल्वमेंट के साथ बताओ, क्या हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग क्या हुआ होगा? उधर कुछ नहीं है, मेरे पास है सब कुछ. बताओ क्या है हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग? मेरे को भी नहीं पता, मैं भी तुम्हारे जैसे बिहेव करता हूं. मस्त मजा आता है. अबे बोलोगे क्या हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग क्या है? कुछ तो पता रहेगा. हाँ, वेरी गुड. ये बच्चा बोला पहले टैबलेट्स पर लिखा. टैबलेट समझते हो तुम, कि मतलब आदि मानव आदमी था, आदि मानव आदमी उसको लिखा करता था किस पर, कि मेरे पास कितनी गाय बकरियां है, उसकी लाइनें बनाकर करता था. जो आज के तारीख में तुम स्टैटिस्टिक्स में सीखते हो, सुंदर सुंदर टीचर ने सिखाया था, 1, 2, 3, 4 चार लाइन बना के फिर पांचवी लाइन ऐसे बनाते थे, याद है क्या? पुराने जमाने में अपनी कैटल्स के बारे में इस तरीके से लिखा जाता था. और क्या, और क्या देखते रहो, मेरे पास मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है. क्या लगता है राशि, कुछ लगता है आपको? जोरदार बोलिए छोरी. पहले गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे बोले, और पहले संपत्ति अर्जित करने के लिए लोगों ने अलग अलग तरीके यूज किए थे. और संपत्ति मेरे पास कितनी है ये पता करने के लिए उनको कहीं ना कहीं तो काउंटिंग की जरूरत पड़ती थी. बिल्कुल सही. मेजॉरिटी केस में बच्चा ये चीज भूल जाता है कि जो चीज सीख रहे हैं उसके लिए कितने बलिदान दिए गए थे. जब बच्चा ये चीज भूल जाता है तब जाके उस सब्जेक्ट की कदर नहीं करता है और सिर्फ उसको ढूंढता है मार्क्स के एंगल से. तुमको मैं तुम्हारा पास्ट दिखाना चाहता हूं, जिस समय आपके पूर्वजों ने ये साइंस बनाने के लिए, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए अपनी जिंदगी तकातक दांव पर लगा दी थी. कुछ राजाओं महाराजाओं ने अकाउंटिंग के बलबूते पर हम कितने रिच है ये पता किया, और उनको पूरे संसार की संपत्ति चाहिए थी, इसके लिए पूरे संसार को जीत लिया इसी एक साइंस के पीछे. और क्या था? जब हमें आजादी की कीमत ही पता नहीं होती तब हम आजादी की रिस्पेक्ट ही नहीं करते. तुम्हें अकाउंट्स की कीमत तो पता हो तब जाके उसकी रिस्पेक्ट करोगे, तब तो जाके उसको पढ़ोगे ना. नहीं तो आज के तारीख में तो क्या, सिर्फ मार्क्स. उसके आगे और बच्चा सोचता है क्या? कभी नहीं. मार्क्स के ऊपर सोचोगे तभी आगे जाओगे. इसीलिए हिस्ट्री पता होनी जरूरी है. तो आपको आज आपका पास्ट दिखाता हूं कि तुम कहां से इस लेवल पर आए हो. कहां से मतलब, सर मैं तो 2 साल का था, 1 साल का नहीं, उसके पहले भी तो इंसान थे. तो वो इंसान कहां से आए हो, तुमको देन में मिली ये चीजें, आपको मिली ये चीजें. आज मोबाइल आपको किसी ने दिया है बनाकर, उसकी इज्जत करोगे ना तो ही आगे बढ़ोगे. और इज्जत नहीं करोगे, उसके लॉजिक्स में नहीं जाओगे, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, तो आगे की चीज बनाने में कार्य क्षमता आपकी कम हो जाएगी. ये समझना जरूरी है. रिमेंबर, यू आर वेरी लकी एंड यू आर वेरी अनलकी. यू आर लकी बिकॉज यू आर बॉर्न इन दिस एज, जब आपके हाथ में मोबाइल है, जब आपके हाथ में लैपटॉप है, जब आप क्लासरूम में बैठ रहे हो जहां पर एसी है, बहुत लकी हो, राइट? हम जब पढ़ा करते थे तब हम नीचे बैठ के पढ़ा करते थे. क्लास में फैन हो जाए बड़ी बात, तुम्हारे यहां पे एसी है. बोर्ड पर पढ़ा करते थे, तुम प्रोजेक्टर पर पढ़ रहे हो, तो तुम लकी हो, ये बात में कोई शक ही नहीं है. तुम बहुत अनलकी भी हो. अनलकी इसलिए क्योंकि आज के तारीख में कॉम्पिटिशन पहले से कई गुना ज्यादा फियर्स है. बहुत ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, एक्सट्रीमली बैड कॉम्पिटिशन.
इस कंपटीशन को किल करने का एक ही तरीका है, फोकस ऑन द कंटेंट, कि क्या लिखा है, क्या है, समझो और आगे बढ़ो। रट्टा मारोगे तो मार्क्स तो मिलेंगे बट आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एग्रीड? तो चलते हैं अभी आगे। तुम्हारा पास्ट ये रहा, तुम इस तरीके से कॉइन्स में जिया करते थे और ये थे तुम, दिख रहे तुम्हें, पीछे से हाथी घुमा करते थे, हाथी आना जाना जंगल में रहा करते थे तुम, आग ढूंढने के लिए इतना समय लग गया तुम्हें, नहीं थे तुम यही तो थे। यहां से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैच्योर हरप्पन फेज, अगर आप मूवी देखोगे मोहनजोदारो तो उसमें भी इसके बारे में भी बात की गई है कि पैसा कमाना, उसकी अकाउंटिंग करना, इसके बारे में सारी चर्चा है उस जमाने में। और उस जमाने के कुछ सिक्के, कुछ पहलू मैंने आपके सामने रखे, आपको दिख रहे जो ये बता रहे थे कि टैबलेट्स पर लिखा करते थे, मतलब अकाउंटिंग बेटा ये हुआ करती थी। यहां से ग्रो होकर हम अब आगे बढ़े तो आज हम इस लेवल पर है, आपको दिख रहा है कि एक बिजनेसमैन वॉक कर रहा है। इसमें कई सदियां लग गई बेटा, कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी इसके अंदर। लुका पैसोली, ये पढ़ते ही रही, लुका पैसोली जिन्होंने फर्स्ट अरिथमेटिकल वर्क दिया, अरिथमेटिकल वर्क मैं बोल रहा हूं, नॉट अकाउंटिंग, अकाउंट्स मैथ से जन्म लिया, एलजेब्रा से जन्म लिया अकाउंट्स ने, एग्रीड? तो इसमें आज भी एलजेब्रा के गुण आपको सारे देखने को मिलेंगे। एलजेब्रा में साइंस बैकग्राउंड वेरी हैप्पी, LHS इज इक्वल टू RHS, याद है क्या नहीं है? अकाउंट्स की बैलेंस शीट इसी कॉन्सेप्ट से बनी हुई है, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बताऊंगा आपको, हैप्पी? सो यहां तक अभी आप क्या क्या चीजें समझ गए कि हमें अकाउंट्स टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ये बहुत मुश्किलों के बाद में चीज बनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फोकस कंप्लीटली वेल इन टर्म्स ऑफ लॉजिक्स ओनली। क्या मैं एक चीज को समझाकर खत्म कर चुका हूं क्या, कि वापस बार बार समझाना पड़ेगा कि हम मार्क्स के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम किसके लिए पढ़ेंगे, कंटेंट। अगली स्टोरी ये रही, एक बंदा है राइट, इस बंदे को क्या करना है, बिजनेस शुरू करना है, तो मैंने बताया था हम कॉमन सेंस ही करेंगे, बिजनेस शुरू करना है तो तुम बताओ क्या करूं। मैंने तो वैसे लिख दिया, आई विल स्टार्ट माई बिजनेस, आई हैव मनी एंड गोल्ड विथ मी, वो चलता रहेगा जब तक तुम उसको बोलोगे नहीं, तुम बताओ अब क्या करूं, बिजनेस शुरू करना है तो, बिजनेस शुरू करना है क्या करूं। ये छोरा बोला कैपिटल, कोई एक नया शब्द लिया है, गांव वालों सुन रहे हो तुम, ये क्या बोल रहा है, कैपिटल डालेगा, बोले कैपिटल का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता, मैं आता ही नहीं, क्या क्या बेटा, पूंजी, पूंजी का मतलब, जो बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं, फर्नीचर खरीदने के लिए, लैंड खरीदने के लिए, यही बोल रहे हैं जो मैं नहीं बोल रहा हूं, बराबर है ना। अच्छा मैं क्या हुआ बेटा, मैं तुझे बताऊं, मैं आज बैंक में गया, बैंक को बोला बैंक मुझे 10 लाख रुपए दो, बैंक ने 10 लाख रुपए दिए, मैंने वो मेरे बिजनेस में लगा दिए, कैपिटल हो गया है ना, बैंक से पैसे लेके आया मैं, बैंक से पैसे लेके आया मैं, विजय माल्या बैंक से पैसे लेके आया था, याद आ रहा है क्या, आकर किंगफिशर में लगाया, कैपिटल है, कैपिटल है। अब ये छोरी ने वर्ड बदल दिया और वो बोला कि सर वो लोन कैपिटल है। तो बेटा जी अब मैं आपको बताऊंगा कि व्यापार बिजनेस में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो ओनर होते हैं और एक जो ओनर नहीं होते। जो ओनर की लागत है, जो ओनर पैसा लगाता है उसको कहेंगे कैपिटल, जो ओनर पैसा नहीं लगाता, जो कोई बाहर वाले पैसे लगाते हैं उसको नाम देंगे हम लायबिलिटी, उसको नाम क्या देंगे, लायबिलिटी। जो ओनर पैसा लगाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल। जो ओनर पैसा नहीं लगा रहा है, बाहर से पैसा लाकर लगाया गया है, तो उसको क्या कहेंगे, लोन, लायबिलिटी। एम आई कम्युनिकेटिंग? तो व्यक्ति कितने हुए, दो। धंधे में पैसा आने का तरीका सिर्फ दो जगह से, एक है ओनर और एक है आउटसाइडर। हैप्पी? ऑलराइट। सो इसको बंदा चालू करना था, एक मॉल के अंदर उसको लगा कि एक शोरूम ओपन करेगा, मॉल के अंदर घुसे, चले ये देखिए हम मॉल के अंदर घुस गए, देख लीजिए और मुझे बताइए क्या क्या लगेगा आपको, अभी क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा, मॉल का शोरूम ओपन करना है आपको, एक वेरी गुड, लैंड, देखते रहिए और मुझे बताते रहिए, आपको यहां से ही अंदाजा मिलेगा क्या क्या लगेगा, लैंड, फर्नीचर,
अगला क्लॉज है एडवर्टीजमेंट, देखते रहो बताते रहो। इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉइज, वंडरफुल, एम्प्लॉइज देखिए उसको लड़की है, हाँ गुड। स्टॉक, लवली, सामान लगेगा, माल लगेगा, एग्री। और क्या क्या दिख रहा है? मशीनरी, वेरी गुड, आपको लगेंगे मशीनरी, यस, जो वहां पर काम करते हैं। और क्या क्या? मशीनरी लग गई, लैंड लग गई, फर्नीचर लग गया, स्टॉक लग गया, और यहां क्या क्या? कैश फॉर डेली एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली है, साफ सफाई नहीं देखी तुमने? साफ सफाई भी तो फोकट में थोड़ी ना होती है, उसको भी तो पैसा लगेगा, यस और नो? मेरे रसगुल्ले बच्चों को एक चीज तो समझ में आ गई ये वीडियो देखकर कि जब व्यापार खुलेगा तो ऐसी बहुत सारी चीजें होगी। अब हमें क्या करना है, एक लैंग्वेज समझनी है अकाउंट्स की, तो हर एक को एक नाम तो देना पड़ेगा, तो मैं अभी आपको नाम देना सिखाऊंगा कि किसको क्या कहेंगे। बिजनेस आपने देखा, अब मैं आपको बिजनेस वापस याद दिलाते रहूंगा, एग्रीड? तो पहली चीज देखिए सर, राम को व्यापार शुरू करना था, ये वही मॉल है जिसके अंदर आप जाके आए हो अभी थोड़ी देर पहले। राम खड़ा हो जाएगा और राम इज अ बिजनेसमैन, राम इज अ बिजनेसमैन। जो आदमी यहां पर आके खड़ा हुआ है वो कौन है? बिजनेसमैन, ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। नाउ हाउ कम, हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस? जो व्यक्ति व्यापार शुरू करता है वो ओनर होता है, एग्रीड? उस ओनर के पास कैश होगी, गोल्ड होगा, जो कोई भी चीज ओनर की है वो उस बिजनेस में लगाता है। ओनर जो अपनी चीज है वो किस में लगाता है? बिजनेस में लगाता है। जो ओनर व्यापार में पैसे लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल, जो ओनर व्यापार में पैसे लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये देखो, राम इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस और एलन सोली का अंदर उसने शोरूम बना दिया, दिख रहा है ना? तो जो ओनर पैसा लगाएगा उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमको, रेडी हो ना? एक लड़का है, वेरी गुड, इसका बहुत बड़ा शॉप है, उधर एक रिसेप्शनिस्ट है, सुंदर रिसेप्शनिस्ट नाम दूंगा, सुंदर रिसेप्शनिस्ट, ठीक है? ये ओनर है और ये एम्प्लॉई है, रादर ओनर शब्द यूज करना गलत है, मैंने शब्द गलत यूज किया, मैं शब्द यूज करूंगा, एम्प्लॉयर है और ये कौन है? एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को क्या देगा? पैसा, जिसको आप कॉमन पैरलेंस में बोलते हो सैलरी। सैलरी बोल दिया सर जी, हाँ सरकार, समझे हो क्या बात को? अब लड़के को लड़की से हो जाता है प्यार, लड़की भी अच्छी है लड़का भी अच्छा है, प्लीज डोंट टेक इट इन अदर वे राउंड, अच्छे है दोनों। और लड़का लड़की को बोलता है कि विल यू कम फॉर डिनर विथ मी, यस। सो लड़का और लड़की डिनर पर जाते हैं, एग्री? डिनर पर चले गए और डिनर में ये लड़का इस लड़के को एक डायमंड रिंग देगा, राइट? सैलरी है, सैलरी है ना? अरे वही लड़का दे रहा है जो इधर है ना, वही वही दे रहा है, उसी रिसेप्शनिस्ट को दे रहा है। क्या क्या, ये किसकी वजह से दे रहा है? ऑफिशियली नहीं दे रहा है, नहीं, हियर ही इज गिविंग इन द कैपेसिटी ऑफ लवर एंड हियर इज गिविंग इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर, फर्क है। एक ही आदमी अलग अलग रोल प्ले कर सकता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन दे रहा है, किस लिए दे रहा है, ये भी फर्क पड़ता है। अगर मैं धंधे को बोलूंगा आज पैसा दे रहा हूं तेरे को जरूरत है इसलिए, तीन महीने बाद वापिस चाहिए पैसा, तो उसको कैपिटल नाम नहीं दे सकते, उसको नाम देना पड़ेगा लोन। किस कारण से दे रहे हो यह महत्वपूर्ण है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं, मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसमें हम दो पार्टनर मिलकर बिजनेस करते हैं। प्रॉपर्टी बाहर से लेने की जगह पे मैंने बोला मैं मेरी प्रॉपर्टी रेंट पर दे दूंगा, अब ये प्रॉपर्टी जो मैं रेंट पर दे रहा हूं उसके लिए व्यापार मुझे पैसा दे रहा है, रेंट देता है, मुझे कौन सी कैपेसिटी में पैसा मिल रहा है? एज अ ओनर और एज अ लैंडलॉर्ड, एज अ लैंडलॉर्ड, एज अ लैंडलॉर्ड अगर मुझे पैसा मिल रहा है तो उसका नाम होगा रेंट, ना कि प्रॉफिट। हर एक शब्दों के मायने सिखाऊंगा। जब मैं बोलता हूं कि पैसा ओनर ने लगाया ये तो ठीक है, किस पर्पज से लगाया ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक बच्चे समझे नहीं, ये वाला पार्ट तुमको वापिस समझाता हूं। ये देखो, ये मैं और ये पार्टनर,
आनंद और ये पार्टनर, एग्रीड, दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, ये हमारा बिजनेस की जगह है, ये बिजनेस की जगह किसकी है, आनंद की है, एग्रीड। अब आनंद को इस बिजनेस करने के लिए ये फर्म, फर्म अलग, पार्टनर अलग, तुम्हें पता है ना, ये बात पता है ना, मैं बोल रहा हूं, फर्म अलग होती है और पार्टनर्स अलग होते हैं। तो फर्म मुझे क्या दे रही है, अरे ये दिख ही नहीं रहा है क्या तुमको, बोले नहीं नालायक तुम, कैसे नालायक हो रहे, बोलते नहीं हो, अब दिख रहा हूं कि देखो ये कौन है, आनंद, और ये कौन है, पार्टनर, पार्टनर का नाम लिख देता हूं, मेरी फेवरेट ऐश्वर्या, जलो मत, ऐश्वर्या, ठीक है, आनंद और ऐश्वर्या, प्यारी प्यारी, ओ शिट गायब हो गई यार, ऐसा नहीं करते बेटा, ये आनंद, जब भी लिखता हूं उसका नाम भाग जाती है, ऐश्वर्या, हैप्पी, हम दोनों कौन है, पार्टनर। अब बात पुरानी है, जब ऐश्वर्या के पास कुछ नहीं था तो हम दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया था, ऐश्वर्या राय की बात चल रही होगी, हाँ, तो हम दोनों ने मिलकर क्या किया था, बिजनेस शुरू, और बिजनेस शुरू किया तो ऐश्वर्या के पास कुछ नहीं था, तो मैंने बोला कि मैं मेरी जो जगह है वो बिजनेस को रेंट पर दे दूंगा, ये फर्म बनी, फर्म को मैंने मेरी जगह रेंट पर दी, एग्रीड। अब बिजनेस आनंद को रेंट देता है कि नहीं देता है, ये रेंट प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, ये रेंट रेंट है, क्योंकि यहां पर जो मैंने पैसा लगाया है, ये प्रॉपर्टी दी है, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ द ओनर बट इन द कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड। अरे कड़ता है काय मिकाय बोलते है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन पैसा लगा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या पर्पज है, डन, एम आई कम्युनिकेटिंग। सो कुल मिलाकर अभी तो हम चीजें सिंपल रखते हैं, अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि कैपेसिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, कैपेसिटी मतलब किस वजह से पैसा दे रहे हैं, तो ये देखो इधर, मिस्टर राम इन्वेस्टेड द मनी इनटू द बिजनेस, इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल, द कैश इज द कैपिटल फॉर बिजनेस, राम इज व्हाट, ओनर, तो कैपिटल वही लगाता है जो ओनर होता है व्यक्ति, इज दैट ओके, सो प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम एंड कंप्लीट इट ऑफ, कैपिटल का मीनिंग क्या है, राम ओनर है, ओनर पैसा लगाएगा धंधे में, उसको नाम क्या बोलेंगे, कैपिटल, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं क्या, इफ यू डोंट माइंड, कैपिटल समझ में आ गया, चलिए रेडी हो आप, कॉमन सेंस चाहिए, राम पैसा क्यों लगा रहा है, बोलो, पैसा बहुत ज्यादा है उसके पास, किसके लिए, प्रॉफिट, तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति लगाता है कैपिटल तो उसको मिलता है प्रॉफिट, अगर कोई व्यक्ति लगाता है या देता है लोन तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलता, उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट, रेंट नहीं रहे ना लाइक, अगर कोई लोन देता है तो उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो राम बेटा जी कंफ्यूज मत हो, वो दोनों ही टाइप के पैसे लगा सकता है, कैपिटल भी लगा सकता है और लोन भी दे सकता है, कैपिटल लगाया तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट, और लोन दिया तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। साला अब समझ में नहीं आ रहा है सर, लोन और कैपिटल में क्या फर्क है, तो कैपिटल का मायने समझो, कैपिटल, कैपिटल कैन बी विड्रॉन एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द बिजनेस, कैपिटल ये कब विड्रॉ कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द बिजनेस, जब धंधा खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तभी कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं, उसके पहले कैपिटल विड्रॉ नहीं कर सकते, ये कैपिटल का रूल है, एग्रीड। सेकेंड चीज, कैपिटल लास्ट में विड्रॉ करेंगे तो कब, पहली प्रायोरिटी किसकी, पहले सब बाहर के पेमेंट करने पड़ेंगे, बचा तो तुम्हारा, सो कैपिटल कैन बी विड्रॉन व्हेन, एट द एंड, और क्या, कैपिटल कैन बी विड्रॉन एट द एंड, और सेकंड चीज क्या,
इट कैन ओनली बी विड्रॉन आफ्टर ऑल द आउटसाइड पेमेंट्स आर डन. क्या ये कॉमन सेंस बात समझा पाया मैं आपको? ये उसका स्वरूप है, ये उसका नेचर है. ओनर को पैसा सबसे लास्ट में मिलता है. जैसे शेयर मार्केट में भी जो ट्रेडिंग होती है वो होती है शेयर कैपिटल की, कैपिटल शेयर्स की, समझाऊंगा आगे आने के बाद. तो उसमें भी जब शेयर के भाव नीचे जाते हैं धड़ 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 धड़, तो ओनर ही नुकसान उठाता है सारा. है चलो खैर गोली मारो, ये मुझे समझा नहीं. कैपिटल रहा तो पैसा कब निकाल सकता रहे वापस? बिजनेस की लाइफ खत्म होने के बाद. और दूसरा? हाँ 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 हाँ, आवाज नहीं आ रही है. आफ्टर दी ऑल दी आउटसाइड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ ही कैन विड्रॉ. तुम्हें पता है राम ने फिर है ना सब कुछ त्याग दिया अपना. मैं जब मैंने उसको बताया कि ये कैपिटल का स्वरूप है, राम ने सब कुछ त्याग दिया. बोले सर मैं तो हिमालय में जाके रह रहा हूं, क्योंकि जब धंधा बंद होने के बाद में पैसा मिलेगा, और वो भी सबका पेमेंट करने के बाद में मिलेगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या खिलाऊंगा क्या पिलाऊंगा? क्यों मैं कुछ गलत बात कर रहा हूं? अच्छा यहां पर कितने बच्चों का पापा का बिजनेस है? तो साले नलायक को पैसा कहां से निकल के लाए तुम? चोरी किए क्या? चोरी किए गए नलायक? तो मतलब ओनर को कहीं तो मार्जिन देनी पड़ेगी क्या? नहीं देनी पड़ेगी, नहीं तो साला ओनर पैसा लगाएगा और उसको तुम ज्ञान की बातें करोगे ये लास्ट में पैसा मिलेगा. सो ओनर पैसा विड्रॉ कर सकता है. जब ओनर अपना पैसा विड्रॉ करता है इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट कमाएगा तो वो निकाल सकता है हर साल. मतलब अगर उसको धंधे से पैसा निकालना है तो उसको क्या कमाना पड़ेगा? प्रॉफिट. और जब वो प्रॉफिट कमाता है और प्रॉफिट से पैसा विड्रॉ करता है तो उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स. क्या कहते हैं उसको? ड्रॉइंग. तुम तो फिर भी लकी हो, तुमको आज पता चला ड्रॉइंग. हमारे प्रोफेसर ने हमको सिखाना चालू किया था जब हम अकाउंट्स पढ़ते थे ड्रॉइंग. अब हमारे स्कूल में हम इंग्लिश भी सीखते थे मराठी में. अब मेरे को बोलता है कि ओनर विड्रॉज ड्रॉइंग, तो समझ में आया ड्रॉइंग का मीनिंग मतलब ड्रॉ करना, ड्रॉइंग. तो समझ में नहीं आता ओनर ड्रॉइंग क्यों विड्रॉ करके लेके जाएगा. तुम्हारा कहते हैं क्या मैं क्या बोलते थे? व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये ड्रॉइंग है, ये मैं घर क्यों लेके जाऊं? ड्रॉइंग का शौक है मुझे. मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता था उन दिनों में जब मैं पढ़ा करता था कि क्यों विड्रॉ करें. तो नलायक को तुम ऐसा नहीं करोगे, ड्रॉइंग मतलब तुम्हारे डे टू डे सर्वाइवल के लिए. जैसे अभी आप फीस भरोगे तो फीस भरने के लिए आपका एक प्रॉफिट का एंटिसिपेशन होगा कि आप धंधे में प्रॉफिट कमाओगे. वो प्रॉफिट के एंटिसिपेशन में जो पैसा विड्रॉ करते हो ना, उसको नाम दिया जाता है ड्रॉइंग्स. समझ में आई बात? धन में तो हमने राम को रोक लिया और राम को कहा चिंता मत कर भाई, तेरे छोटे छोटे बच्चे, भाभी, तू, तेरी मम्मी, पापा, पेट्रोल, सब खर्चे तू कर सकता है. तुझे क्या विड्रॉ करना पड़ेगा उसके लिए? ड्रॉइंग्स. पहले प्रॉफिट कमाओ और प्रॉफिट कमा कर क्या? ड्रॉइंग्स. हैव आई मेड द पॉइंट क्लियर सर? व्हाट इज अ ड्रॉइंग? राइट, सो लिख दो राम कैन. ओ तेरी, लिखो ना, राम कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम बिजनेस. राम कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम बिजनेस इन फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स. इन फॉर्म ऑफ व्हाट? ड्रॉइंग्स. अरे यार कहां गया? इन फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स. ये ड्रॉइंग्स है राइट. ड्रॉइंग का मतलब फोटो नहीं, ड्रॉइंग का मतलब है पैसा विड्रॉ करना. तो आज आपने दो शब्द समझे, एक कैपिटल. कैपिटल का स्वरूप क्या होता है? कब विड्रॉ कर सकते? ओनली एट द एंड, और एंड ऑफ द बिजनेस के बाद में भी सबसे लास्ट में, बचा तो कुछ. सेकेंड पॉइंट मैंने आपको क्या ब्यूटीफुल सिखाया? व्हाट इज ड्रॉइंग? ड्रॉइंग वो चीज होती है विच इज विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज डे टू डे एक्सपेंसेस इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट. ये कैसे विड्रॉ किया जाता है? ऐसे नहीं, इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट होगा तो ड्रॉइंग्स विड्रॉ की जा सकती है. से यस. सो हम क्या लिखेंगे? क्या? इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट. अब एक होशियार जो बच्चा रहेगा वो क्वेश्चन पूछ सकता है मुझे कि सर मान लो लॉस हुआ तो क्या उसके बच्चों को पढ़ाई करने का हक नहीं है क्या सर? क्या उसके बच्चे नहीं पढ़ सकते क्या सर? नहीं, वो भी पैसा विड्रॉ करते हैं, बट उस केस में बिजनेस उनके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा सकता है. उसका नाम दिया गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अब समझ आ रही है तुमको बातें? तुम आगे पढ़ोगे,
फिर धंधा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता है, उसको नाम क्या देते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हम जब आगे जाएंगे तब पता चलेगा, बट आज की तारीख में आपको ये दो चीजें समझ में आई। यस, तो मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे रसगुल्ले बच्चे, तुम्हारे माता पिता ने जो तुम्हारी स्कूल फीस भरी, जो कॉलेज फीस भरी, कैसे भरी? ड्रॉइंग्स के थ्रू। और ड्रॉइंग्स आपने कहां से निकाले? बिजनेस में से। और बिजनेस में से कब निकाल सकते हो? इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट तो बिलोंग करता है किसको? ओनर को। और ओनर प्रॉफिट को निकाल सकता है, कैपिटल को नहीं। डन। अब प्रॉफिट क्या होता है हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, आगे आएगा तब। ठीक है, ये हो गया भाई तुम्हारे को। अब राम ने दिया पैसा और एक फ्रेंड ने दे दिया पैसा, दोनों में फर्क क्या है? दोनों ने कैश ही दिए। देखो एक काम करे, ए भाई वॉलेट निकाल, वॉलेट निकाल। संतोष मेरा वॉलेट किधर है? भाई को नहीं घेतला है। दे भाई पैसे दे। नहीं नहीं रे दे, पैसे दे, पैसे दे। तेरी भाई को ने सब पैसे निकाल दिए। ये पैसे दिए सरकार ने, सरकार आपका नाम बताइए, आकाश, आकाश साहब ने पैसे दिए मुझे, मैं बिजनेस हूं, ये बना लोन। जो पैसा मैं डालूंगा वो बनेगा क्या? कैपिटल। नलायको दोनों नोट को जोड़ दोगे ना तो दोनों नोट एक जैसी है, तो दोनों से आ रहा कैश ही है। बट जब रीपेमेंट की बारी आएगी तो इसकी प्रायोरिटी पहले होगी, मेरी प्रायोरिटी लास्ट में होगी। पहले बाहर वालों का पैसा पेमेंट करना है, फिर खुद का पैसा लेना है। इसीलिए ये बाइफर्केशन करना जरूरी है। जो आकाश से पैसा आया उसको नाम क्या देंगे? लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या? पेएबल टू आउटसाइडर। आवाज नहीं आ रही। लाइबिलिटी इज पेएबल टू आउटसाइडर। अब देखो, मैं मेरे बिजनेस का ओनर हूं, मैं मेरे बिजनेस का ओनर हूं, हो गया। मेरी एक पत्नी है, हाँ मैं दुखी हूं, मेरी एक पत्नी है, है। अब मेरी पत्नी ने बिजनेस को पैसा दिया तो लाइबिलिटी है या कैपिटल है? लाइबिलिटी। तो ध्यान से समझना, रिलेटिव ऑफ ओनर व्हेन ही गिव्स द मनी इज नॉट कैपिटल, इट इज लोन ओनली। इट इज व्हाट? लोन ओनली। एग्रीड? तो बेटा जी ये ड्राइंग भी बनाइए, आप आपके सामने एक बिजनेस बनाइए, चलो बी क्विक, बिजनेस बनाइए, इन्वॉल्व रहने का, एक बिजनेस बनाओ। डन। ये बिजनेस में पैसा लगा रहे दो लोग, एक बनाओ राम, ये राम दिख रहा है क्या? राम ने डाले पैसे और फ्रेंड ने डाले पैसे, राम ने डाले पैसे और फ्रेंड ने डाले पैसे, राम पैसे दो, फ्रेंड पैसे दो। बिजनेस क्या बोलेगा? राम ने जो दिया वो कैपिटल है और फ्रेंड ने जो दिया वो लोन है, जो लोन है वो लाइबिलिटी है। एग्रीड? और बेटा जी जो ओनर ने दिया उसको कैपिटल बोलेंगे, कैपिटल के साथ साथ उसको और एक नाम दिया जा सकता है, इक्विटी। क्या नाम दिया जा सकता है? इक्विटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विटी। तो तुम्हें राम की स्टोरी याद है? आप घूमे थे मॉल में तो राम ने लगा दिया क्या? कैपिटल लगा दिया। और क्या क्या लगा दिया? राम ने लोन भी ले लिया। यस। अब लोन लेकर वो क्या करेगा? चलो चले आ गया, इसको क्रेडिटर या लाइबिलिटी भी देते हैं। इसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है ना, राम को मिलेगा प्रॉफिट। और इसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। जो फ्रेंड है उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। फ्रेंड को मिलेगा इंटरेस्ट, इसको लिख दीजिए इंटरेस्ट मिलेगा, ये लोन है इसको इंटरेस्ट मिलेगा, और इस पुट्टे को क्या मिलेगा? प्रॉफिट्स। हरी हैप्पी। तो एक को मिलेगा प्रॉफिट और एक को मिलेगा इंटरेस्ट। लवली पीपल, लेट्स मूव ऑन। ओनर फंड्स का क्या करेगा? जरा सोचो, तुमने खुद ने बताया था, मैंने निकाल दिया, ओनर ने पैसे दिए, क्या बोल रही तू? असेट्स खरीदेगा। वेरी गुड। अब जैसे मान लो तुम गए वहां पे, सर आपका सुंदर नाम बताओ सर, एकदम प्यारा वाला नाम। हाँ हाँ भैया, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, आपका नाम बताइए सर। हाँ क्या बोलता है? रोहित साहब, खड़े हो जाओ, नहीं तुम्हारा बाल दिखेंगे, थोड़ी देर बैठो। हाँ रोहित साहब, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तुम डेमो चाहते हो कि सोच के बताओगे? सोच के बताने की कोशिश करो, नहीं तो फिर मैं डेमो दूंगा, ठीक है? थप्पड़ नहीं खाना चाहते हो तो सोच के मत, मतलब सोच के बता दो।
तुम चाय के शॉप में जाते हो तो वहां पे क्या मांगते हो? चाय के शॉप में जाते हो तो वहां पे क्या मांगते हो? ऑब्वियसली सर चाय मांगूंगा, येड़े के जैसे क्या बात कर रहे हो। अगर मान लो तुम वहां पे जाके उनको पूछो, सर ये स्टोव कितने में बेचते हो? पूछ सकते हो, ये स्टोव है, स्टोव चाहिए सर घर में, मेरी मां बीमार है, स्टोव लेके जाना, स्टोव कितने में बेचोगे? पूछ सकते हो। क्या करेगा अगर, मतलब फालतू से फालतू चाय वाले को पूछ लिया तूने, मतलब तू सोचता होगा ये तो अनपढ़ गवार है, इसको पूछ कर क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको जाके पूछ लेते, इसको क्या अक्कल है, जाके पूछ लेता हूं, तो भी वो क्या करेगा? नहीं देगा क्या? गाली गलौज करके भेजेगा, ये डाय गया, चल निकले यहां से, ऐसा छोड़ेगा नहीं वो। जितना अनपढ़ ज्यादा उतनी ज्यादा इज्जत निकालेगा तेरी। बोले पढ़ने को क्यों जाते हो, गोबर खाते हो क्या वहां पे? बोलेगा या नहीं बोलेगा? तो बेटा दो चीजों को अकाउंट्स में भी फर्क करना पड़ेगा। अबे तुम्हारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डिपेंड करता है कि तुम किस में व्यापार करते हो। एक को नाम देते गुड्स और एक को नाम देते असेट्स। हर एक चीज जो धंधे में होती है वो बेचने के लिए नहीं होती। जैसे अगर कोई मुझे आकर बोलेगा कैमरा बेचते हो क्या? नहीं। तुम आके पूछोगे एसी बेचते हो क्या, बेंच बेचते हो क्या, तुमको प्रेस्टीज पॉइंट में मारते मारते घुमाऊंगा। समझ आ रही क्या बात? तो धंधे में क्या जाके बाय करना, उसका नेचर ऑफ द बिजनेस डिसाइडेड है। आपका AS9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, आपकी रेवेन्यू क्या है, आपका टर्नओवर क्या है, आपका सेल क्या है, सर नए नए शब्द है, टेंशन नको लो, बट आपको यह समझ में आ रहा है क्या? जो आपकी मुख्य रेवेन्यू, जो आपकी मुख्य इनकम का स्रोत है, वो डिपेंड करेगा आप किसको गुड्स बोलते हो। गुड्स वो होता है जिसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलता है। गुड्स वो होता है जिसके लिए आप शॉप एक्ट लेते हो। व्यापार शुरू करना है तो शॉप एक्ट तो लेनी पड़ेगी ना, तो वो आपको पूछेंगे व्यवसाय काय आहे, वॉट इज योर बिजनेस, सो देन यू माइट से माई बिजनेस इज एजुकेशन, तो एजुकेशन रिलेटेड ही चीजें करने की, कहते हैं। नहीं तो तुम इधर बोलेंगे इधर होटल लगाऊंगा सर, नो नो, यू हैव टू टेक द परमिशन फॉर दैट रीजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बातें आपके दिल तक पहुंची? तो मैंने आपको समझाया, एक होता है गुड्स और एक होता है क्या, असेट्स। तो एलन सोली का शोरूम तो दिख रहा है, दिख रहा है ना? इस एलन सोली के शोरूम में जाओ, वहां पर मॉल में पूरा चीज घुमाया था, याद है ना? उसमें आपने देखा था कि ओनर के पास आया पैसा और इस पैसे को डिवाइड करेगा दो हिस्सों में, एक में लिया असेट, कंप्यूटर था उधर, एक लड़की कंप्यूटर पर कर रही थी ना कुछ, तो तुम लड़की को देखकर खुश हो गए, नलायक था वहां पे कंप्यूटर भी एक, याद आ रहा है? पीछे फर्नीचर भी था, हैंगर भी थे, कोई हैंगर खरीदने को नहीं जाता वहां पे, याद आ रही बात? वहां पे कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं। जो कपड़े है बाजू में दिख रहे हैं क्या, परचेसेस गुड्स, उसको नाम देंगे गुड्स और बाकी की चीजों को नाम देंगे असेट्स। जरूरी नहीं फिक्स्ड असेट, बट असेट्स बोलेंगे। तो क्या मैं दो चीजों में बाइफरकेट करना शुरू कर दिया? तुम किसी भी चीज को गुड्स बोलोगे ना फटके। इधर ट्यूबलाइट को देखो, देखो ऊपर, बोले गुड्स है क्या? क्या है? असेट्स। इधर क्लास में बैठ के मुझे बताओ कौन सी चीजें असेट है, सब मतलब क्या, देख के बताना, लाइक एसी, बेंच, और क्या, ये एम्पलीफायर, ये पोडियम, मेरी चेयर, ये कैमरा, ये सब चीजें क्या है, असेट। तो अब जब आपको अगली बार सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा डेफिनेशन ऑफ असेट, और गुड्स भी असेट है, बट गुड्स में हम व्यापार करते हैं, उसकी रेवेन्यू हमारी इनकम बनती है, उसके बेसिस पर आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है। से यस, ड्राइंग बना लो बेटा, बनाओ। अगर हम यही चीजें डेफिनेशन से करें तो शायद थोड़ी मुश्किल हो जाए, इसलिए इसको विजुअलाइज करके करते हैं। जो गुड्स परचेस्ड है इसके बेसिस पर आपका जीएसटी सर्टिफिकेट बनता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, आपका टर्नओवर डिसाइड होता है, आपका सेल्स डिसाइड होता है। एग्रीड? सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ टर्नओवर, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल्स, ओके? और दूसरी चीज, गुड्स विल डिपेंड, गुड्स विल डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, गुड्स विल डिफर फ्रॉम
ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इज दैट ओके? ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स क्यों डिफर करेंगे? जैसे महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जाओगे तो उनके गुड्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। वही अगर तुम पंडित ऑटोमोबाइल के पास जाओगे, मतलब ऑटोमोबाइल शोरूम है, गाड़ियां बेचते, कार बेचते, तो उनके लिए गुड्स क्या है? कार। अगर तुम मेरे पास आओगे, तुम्हारे लिए सर कार क्या है? फिक्स्ड एसेट। मैं कार बेचता नहीं हूं ना, एग्रीड? तुम फर्नीचर वालों के पास जाओगे, उसके पास बेंचेस क्या है? गुड्स। तुम हमारी क्लासेस के पास आओगे, पूछोगे हमारे लिए बेंचेस क्या है? फिक्स्ड एसेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसमें हम व्यापार करते हैं वो हमारा बनता है गुड्स। इसीलिए आप देखो ना, रियल लाइफ कितनी क्लोजली साथ में चलती है इसके। उसको रियल लाइफ में बोलते हैं माल। माल पहुंचा क्या? माल भेजो। जब कोई ओनर माल के बारे में बात कर रहा हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ही इज टॉकिंग अबाउट द गुड्स। एम आई कम्युनिकेटिंग? और ये गुड्स विल डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पीएनजी ज्वेलर के पास गुड्स क्या हुए? ज्वेलरी, गोल्ड। मेरे पास गोल्ड हो सकता है इन्वेस्टमेंट, फर्क है। तो आप किस मकसद से लेते हो, इस पर से आपका क्लासिफिकेशन डिपेंड होने लगता है। एम आई कम्युनिकेटिंग सर? कैन आई टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप? यस। अब जरा ध्यान से सुनिए, गुड्स से बनती है कुछ चीजें, ये आप मेरे साथ लिखना शुरू करिए। गुड्स से बनती है व्यापार में दो चीजें, दो चार चीजें। अरे यार, गुड्स से बनता है परचेस और सेल, परचेसेस और क्या? सेल्स। एंड गुड्स आर डेल्ट अंडर एएस टू इन्वेंट्री, जिसको हम नाम बोलेंगे तुम्हारी भाषा में क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक नाम बोलते हो ना तुम, इन्वेंट्री। नहीं समझा तो भी छोड़ दे, कुछ चीजें। ए एक सेकंड, कैन वी टेक अ स्मॉल पॉज? कैन वी टेक अ स्मॉल पॉज? ए गुंडप्पा, एक छोटा सा पॉज। हाँ सुन लेना बाबू, बचपन में ए सीखा था क्या? सीखा था कि नहीं सीखा था? हाँ। क्या मीनिंग था, कुछ समझ में आता था? मेरी बेटी सीखती थी, ए फॉर एप्पल, ए बी सी डी बोलती थी पूरी, ए बी सी डी बोलती थी कि नहीं? तो तुम भी याद करो सुंदर टीचर, जब आपको लिखना सिखाती थी ए, कुछ समझ में आता था ए क्या है? नहीं। अच्छा, तुम बीमार होते हो विनायक कभी? तो क्या करते हो फिर? गोली खाते हो, वेरी गुड। और कोई बताओ कि गोली का नाम? हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर हमको दवाई देता है, इंजेक्शन देता है, तुम पता रहता है उसके अंदर क्या रहता है? तो पता रहता है गोली के अंदर क्या रहता है? उस गोली देता है और तुम ले लेते हो। तो क्या इंपॉर्टेंट है उसमें? फेथ। तो कुछ चीजें बेटा अब मैं नहीं समझा सकता, इन्वेंटरी क्या है, एएस टू क्या है, नहीं समझा सकता, मर्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नई चीजें सुनने के काबिल नहीं है। सुन तो सकते हैं ना, आगे जैसे जैसे चीजें क्लियर होगी हमें पता चलते जाएगा। हरि नवादन में कुछ चीजों का समय आने के बाद में ही बता सकते हैं। अभी तुम छोटे हो और हम बेसिक डील कर रहे हैं ना, कड़ता है क्या है? इसीलिए आज मैंने पढ़ाया नहीं एएस टू क्या है, मैंने ये भी नहीं बताया इन्वेंट्री क्या है, बट मैंने ऐसा कुछ लिखा गुड्स, उसके बाजू में इन्वेंट्री। मतलब फिर से आगे जाके जब तुम पढ़ चुके रहेंगे और इसका रिवाइज करोगे तब चीजें कनेक्ट हो जाएगी, एग्रीड? तो कई बार मेजॉरिटी बच्चों का कंफ्यूजन इसके लिए शुरू हो जाता है, या बेसिक्स इसके लिए भी वीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज पढ़ाई और मुझे नहीं आती, ये वाली चीज मैंने पढ़ाई नहीं है। अरे कलते क्या है, ये चीज मैंने पढ़ाई नहीं है। एम आई कम्युनिकेटिंग? ऑलराइट। सो वापिस से मैं लिखता हूँ, अरे तेरी तो गायब कर दूंगा, पता नहीं चलेगा तुझे ना। लाइक गुड्स, गुड्स का इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से बनी दो चीज, ये एएस टू। एएस टू मतलब क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू। इसके अंदर दो चीजें, एक परचेस एक सेल्स। वाह, एक परचेस और एक सेल्स। मतलब आज के आगे जब तुम शब्द यूज करोगे परचेसेस, तब याद रख लेना वो गुड्स है। हाँ नहीं, नहीं वर वधू, फर्क है भाई, लड़का लड़की फर्क है, वर वधू फर्क है, फर्क नहीं है? बहुत बड़ा फर्क है भाई। लड़का लड़की भाई बहन हो सकते हैं, वर वधू पति पत्नी बनने वाले, फर्क है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसलिए आपको शब्द के मायने समझने होंगे। जो चीज मैं बाय करता हूं, राइट, जिसको हम गुड्स कहते हैं, गुड्स वो होते हैं जिनको हम बेचते हैं, उसी को नाम यूज करेंगे परचेसेस। ठीक है, पूरी क्लास का दानेदार, एवरीवन फोकस हियर। ये कृष्णा है ना, कभी कभी मुझे बहुत प्यास लगती है, जब मुझे बहुत प्यास लगती है तो कृष्णा फट से जाता है
और मेरे लिए एक वाटर बॉटल लेके आ जाता है। वाटर बॉटल के रखते हैं 20 रुपये, तो वाटर बॉटल से मैं पानी पी लेता हूँ, उसको ढक के वापस रख देता हूँ, बात खत्म। अब मुझे जाके एंट्री करनी है, मुझे कुछ लिखना है। बताओ वो जो वाटर बॉटल आई थी वो गुड्स थे या नहीं थे? गुड्स। अब वो क्या था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं गुड्स सिखा रहा हूं ना अभी। जो बॉटल आई, क्या मैं उसको बेचने वाला हूं? मैं मेरे कंजम्पशन के लिए लाया, मैंने पिया, बात खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बॉटल भी परचेस हो रही है, बट उसको परचेस से शब्द यूज नहीं कर सकते। परचेस से शब्द गुड्स के लिए यूज कर सकते हैं। और गुड्स कहां पे डिफाइंड है? AS2 इन्वेंटरी में डिफाइंड है, जो आगे जाके चीज है क्लियर होगी। मुझे नहीं समझा, परचेसेस यह शब्द मर्यादित जगह पर ही यूज हो सकता है। कहां पर यूज होगा? जब आप डील करते हो किसमें? गुड्स में, गुड्स में। और गुड्स कहां पर डिफाइंड है? AS2 इन्वेंटरी में। जरा एक बात सुनेंगे आप, जहां पर आप क्लासेस में जाएंगे, आपने फीस भरी, राइट? फीस भरने के बाद में आपको एक रिसीट मिली, बराबर है? वो जो रिसीट है वो प्रिंट कराई गई थी, कोई फोकट में प्रिंट कर नहीं देता, मालूम है आपको? फोकट में प्रिंट करके देता है? नहीं। तो वो रिसीट बुक हमने प्रिंट करवा कर ली क्या नहीं ली? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या वो रिसीट बुक हमने बेचने के लिए बनवाई? क्या रिसीट बुक बेचने के लिए? मतलब लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं रिसीट बुक दो, ऐसा नहीं, क्लासेस के लिए। सो रिसीट बुक हम बेचते नहीं है, तो रिसीट के लिए भी वर्ड परचेसेस नहीं आ सकता। क्या वर्ड आएगा पता है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब शब्द रचना बढ़ते जाएगी अकाउंट्स में। क्यों सर ऐसा क्यों करते बेटा जी? इसके कई सारे कारण है जो आपको आगे पता चलेगा, बट आज आप फोकस्ड रहो तो सही चीज को पकड़ लोगे। मैं बोल रहा हूं परचेसेस शब्द किसके लिए यूज करते हैं? परचेसेस शब्द यूज करते हैं गुड्स के लिए। गुड्स क्या होते हैं? जिसमें आप व्यापार करते हो। जिस चीज में आप व्यापार नहीं करते हो, जिसमें आप ट्रेडिंग नहीं करते हो, जिसमें आप कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, वो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं फिट होता, उसके लिए वर्ड परचेसेस भी एप्लीकेबल नहीं होता। जो व्यक्ति परचेसेस समझेगा वो इजीली ट्रेडिंग समझेगा, ट्रेडिंग अकाउंट आगे आएगा। इसीलिए मैं ज्यादा जोर डाल रहा हूं परचेसेस क्या है। और जब आप माल बेचोगे तो उसको क्या बोलोगे? सेल्स। गुड्स बेचोगे तो उसको क्या शब्द बोलेंगे? सेल्स। अगर आपका सेल एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस होता है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहने वाले हो, अब तुम बड़े बनने वाले हो। सेल्स किसी भी चीज को दिखाएंगे तो तुम्हारे ऊपर टैक्स कंप्लायंस भी करना पड़ेगा। तुम किसी भी चीजों को सेल्स बताने लगे तो उस पर GST भी भरना पड़ेगा। तो सेल किसको कहते हैं समझ लो, जिसमें व्यापार होता है, जिसमें आप गुड्स डीलिंग करते हो रेगुलरली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी में, उसको कहेंगे गुड्स। बट गुड्स के दो हिस्से, एक परचेस और एक सेल्स। डन। तो परचेसेस किसको बताते बताओ? गुड्स को। सेल्स किसको बताते बताओ? गुड्स को। तो क्या परचेसेस नहीं है? फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट परचेसेस। Following items are not purchases. ध्यान से सुनो, कौन से आइटम purchases नहीं है? मैं कहूंगा purchase of stationery, purchase of stationery, purchase of pen, pencil, stapler, ये purchases नहीं है। तुम तो देखते होंगे ना, stationery होती है और कई सारी चीजें जो purchase की जाती है। झाड़ू परचेसेस नाम नहीं बोलने का, झाड़ू बेचने के लिए लिया तो गुड्स, तो परचेसेस, अदरवाइज उसको परचेसेस नाम नहीं यूज करना। अच्छा, परचेसेस से एक व्यक्ति का जन्म होता है, उसको हम कहते हैं क्रेडिटर्स। इसलिए कई बार आपने यह शब्द सुना होगा ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर। परचेसेस से और एक व्यक्ति कौन बनता है? ट्रेड क्रेडिटर्स। थोड़ा सा समय लेंगे हम इसको समझने के लिए, बट जो परचेसेस से जुड़ा हुआ है उसको नाम क्या देंगे? ट्रेड क्रेडिटर्स। सेल्स से बनता है डेटर्स। स्पेलिंग बराबर है, डेप्टर्स नहीं है वो, डेटर्स। बी साइलेंट, क्यों साइलेंट है पता नहीं है, डेटर। सेल्स से क्या बनता है? डेटर। और इधर मैं क्या बोलूंगा? फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट सेल्स। कौन से आइटम सेल्स नहीं? फर्स्ट वन, सेल ऑफ स्क्रैप। तुम न्यूज़पेपर बेचते हो ना दिवाली में, हे नलायको, पैसे कमा के मुझे पता है सब कुछ, पॉकेट मनी बनाते हो और दिवाली में नलायको यही चीज ढूंढते रहते हो घर में, क्या चीज बेचने की है।
So sale of scrap is not sale. Next, sale of fixed asset, plant and machinery is also not sales. अरे यार shit. ठीक है, क्या लिखा? Sale of plant and machinery is also not sales. Sale of plant and machinery is not sales, right? Sale of scrap is not sale. Done. Sale of fixed asset is also not sale. अब चलो मैंने AC बेच दिया, खराब हो गया तो क्या करूंगा? घर में रखूंगा या नालायक? क्या करूंगा? बेच दूंगा. तो उसको सेल्स बोलेंगे क्या? उसको सेल नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे वो आगे. डन. अब मैंने तुमको आज दो नए शब्द दिए, एक क्या क्रेडिटर, एक क्या डेटर. नाउ व्हाट इज अ क्रेडिटर? जब मैं माल जाके उधार में बाय करके लेके आता हूं, मैंने शब्द यूज किया माल. जब मैं गुड्स उधार में बाय करता हूं, जिन लोगों से मैंने उधार में बाय किया उन व्यक्तियों को सामूहिक तौर पर सभी को एक साथ मिलाकर हम शब्द यूज करते हैं क्रेडिटर. जैसे मैं इस क्लास में तुमको कैसे रेफर कर सकता हूं? बच्चों, तुमको सभी को एक साथ बच्चों. वैसे ही क्रेडिटर को अगर क्लिक करोगे तो बहुत सारे लोग दिखेंगे, वैसे बच्चों को क्लिक करूंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एम आई कम्युनिकेटिंग और नॉट? तो इसको अकाउंट्स में प्यार से नाम दिया गया रिप्रेजेंटेटिव. क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. आगे देखेंगे क्या है. तो क्रेडिटर कब बनता है हम बता दें आपको. क्रेडिटर कब बनता है? एक होता है क्रेडिटर. मान लो आनंद भांगड़िया ने गुड्स परचेस किए किससे? रवि से. क्या परचेस किए? गुड्स. सो कैसे परचेस किए? ऑन क्रेडिट. क्रेडिट मतलब उधार. मैंने रवि को पैसे नहीं दिए तो रवि मेरा बन गया क्रेडिटर. रवि मेरे बुक्स में कौन बन गया? क्रेडिटर. हर किसी व्यक्ति को क्रेडिटर नहीं बोले. क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिससे तुम क्या खरीदते हो? गुड्स उधार पर. और रवि के बुक्स में भी तो आनंद कुछ बनेगा. रवि ने आनंद को बेचा, आनंद से पैसे आने हैं, तो रवि का आनंद बन गया डेटर. क्योंकि रवि ने क्या बेचे थे? गुड्स बेचे थे ना. रवि का सेल्स, आनंद का परचेस. एग्रीड? तो जो परचेस करता है उसके बुक में कौन बनता है? क्रेडिटर. और जो सेल करता है उसके बुक में कौन बनता है? डेटर. इसको हम प्यार से और एक नाम बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड ट्रेड डेटर्स. एक पॉइंट लिखिए, क्रेडिटर एंड डेटर, क्रेडिटर एंड डेटर, क्रेडिटर एंड डेटर. डेटर की स्पेलिंग DEBTOR. क्रेडिटर एंड डेटर्स आर क्रिएटेड, क्रेडिटर एंड डेटर आर क्रिएटेड आउट ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. क्रेडिटर एंड डेटर्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ विच ट्रांजेक्शन? क्रेडिट ट्रांजेक्शन. हैप्पी? ठीक है. बिफोर वी गो फर्दर, लेट्स रिवाइज वॉट एवर वी हैव डन. स्लाइड नंबर वन में मैंने आपको कदर करना सिखाई थी हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग. इसको लाइटली मत लो, राइट? और इसी के साथ मैंने आपको ये प्रॉमिस लिया कि आप अकाउंट सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ोगे. मैंने आपको आपका पास्ट दिखाया, आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता था जिसके लिए मैंने प्रॉमिस किया आपको वीडियो कल दिखाऊंगा. और मैंने आपसे ये कहा कि ये देखो, ये तुम्हारा पास्ट था. हम इस लेवल से जहां पर हम जानवरों की तरह रहते थे, पीछे से हाथी चला करते थे, उस लेवल से आज हम इस लेवल पर है जहां पर आप क्लास में बैठे हुए एसी के साथ में सब कुछ. तो जाहिर से तौर पर इस फ्रीडम को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो. डोंट स्टडी फॉर मार्क्स, स्टडी फॉर लॉजिक, स्टडी फॉर कॉन्सेप्ट्स. एंड इफ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम, आनंद भांगड़िया रेस्ट बी अश्योर्ड इज ऑलवेज देयर फॉर दैट. तुम बस पढ़ने के भूखे रहो, मैं इधर हूं. डन. फर्स्ट पॉइंट. ओके. जब ये पॉइंट हुआ तब फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि बेटा देखो, पास्ट में हम कितने बुरी तरीके से आगे बढ़े हैं. यहां पर पहले हमको दीवारों पर ये सारी चीजें लिख कर रखनी पड़ती थी, राइट? ये सिविलाइजेशन के बारे में बात किया. फिर मैंने एक राम के बारे में बात की. राम को बिजनेस शुरू करना था, उसके पास पैसा था, राइट? तो पैसा लेकर वो एक मॉल में गया और मॉल में देखा कि क्या क्या चीजें लगती है. और तुमने मॉल को पूरा अच्छे तरीके से देखा. मैंने पूछा वहां पर क्या क्या लगेगा. जब आप वीडियो देख रहे थे मॉल का, तब तक आप मुझे चीजें बताने लग गए थे कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए. एग्रीड? उन चीजों को मैंने कहा कि नाम देने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक भाषा सीख रहे हो तो भाषा में हर एक चीज का एक नाम होना चाहिए. तो नाम होना चाहिए. तो फिर मैंने आपको बताया कि पहले इस बिजनेस में जो व्यक्ति पैसा डालता है वो होता है ओनर,
या बाहर वाले लोग। अगर ओनर पैसा लगाता है तो उसको हम नाम बोलते हैं कैपिटल, और अगर बाहर वाला व्यक्ति उसको पैसा लगाता है तो उसको हम नाम बोलते हैं लोन, उसको लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं। फिर मैंने आपको और एक चीज समझाई कि ओनर के भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, उन बच्चों की स्कूल के एजुकेशन, बाकी का खर्चा, जो डे टू डे खर्चे के लिए पैसा निकालना पड़ता है, उस शब्द को नाम दिया गया ड्रॉइंग्स। एग्रीड? ड्रॉइंग्स आर जनरली विड्रॉन इन व्हाट? एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, कि हम प्रॉफिट कमाएंगे तो विड्रॉ करेंगे। तो इससे हमें और एक शब्द पता चला कि ओनर को पैसा कैपिटल का मिलता है ओनली एट द एंड ऑफ द बिजनेस, और वो भी बाकी के लाइबिलिटीज का पेमेंट के बाद। बट ध्यान रहे, ओनर को नेट प्रॉफिट हर एक साल मिल सकता है। से यस। तो ये चीजें समझाने के बाद में मैं आपको ले गया अगले पॉइंट के पास कि दो अलग अलग लोगों ने पैसा दिया तो एक को बोलेंगे लाइबिलिटी, एक को बोलेंगे कैपिटल। नेट प्रॉफिट लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड हो सकता है। लॉस भी लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड हो सकता है। बट जो लोन देता है उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट लिमिटेड ही मिलता है जितना एग्री किया हुआ है, जितने का व्यवहार हुआ है, सौदा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या ये बात पहुंची आपके दिमाग तक? यस सर। विद दिस आई वेंट ऑन फर्दर और मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जब ओनर यहां पर गया तो उसने पैसों से अलग अलग चीजें खरीदी, एक का नाम है गुड्स और एक का नाम था फिक्स्ड एसेट या एसेट्स। मैंने आपको उसमें से गुड्स लिया। गुड्स मैंने आपको यह कहा कि जिसमें आप प्राइमरीली बिजनेस करते हो, जिसके लिए आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिलता है, जिसके लिए आपको शॉप एक्ट मिलता है, ये सारी चीजों को आप शब्द क्या देंगे? गुड्स। आपका मुख्य व्यापार व्यवसाय यह हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। जैसे एक ऑटोमोबाइल शोरूम के लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, वैसे ही फर्नीचर वाले के लिए अलग होगा। एग्रीड? डॉक्टर के लिए अलग होगा। हर एक व्यक्ति के लिए गुड्स की परिभाषा अलग होगी। इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो जब आपको गुड्स पता चला तो फिर मैंने आपको और एक चीज समझा दी। गुड्स से बनते हैं दो चीज, एक बनता है परचेसेस और एक बनता है सेल्स। पागल मत बनो, हर एक चीज खरीदी करने वाली चीज को परचेसेस नाम नहीं देते, हर एक चीज बेचने वाली चीज को सेल्स नाम नहीं देते। अगर गुड्स को खरीदा या गुड्स को बेचा तो नाम देंगे परचेसेस या सेल्स। और अगर ये व्यापार, अगर ये ट्रांजैक्शन आपने उधार में की हो तो उसको हम नाम देंगे उस व्यक्ति को क्रेडिटर। अगर बाय किया गुड्स तो वो जो व्यक्ति बनता है उसको नाम क्या देंगे? क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर्स भी बोल सकते हो। और जिसको बेचा उधार में उसको नाम क्या देते हो? ट्रेड डेटर्स। आर यू हैप्पी? मुझे लगता है अब 2:30 बज गए, अंकिता मैम आएंगी, सो इसके आगे का स्टोरी हम कल डिस्कस करेंगे। इज दैट ओके?